तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त दुर्गेश सिंह। इस बार हम डिस्कशन करने वाले हैं तेज प्रताप यादव को। हम थोड़ा आज इनको करीब से जानने वाले हैं। भाई ऐसे ऐसे मंत्री हैं बिहार में, फिर लोग पूछते हैं कि बिहार तरक्की क्यों नहीं कर रहा। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है खुद का। आप वीडियोज देखो, अपना खुद का ओपिनियन बनाओ। तो इनको बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या बांसुरी बजाने से बिहार तरक्की करेगा। ये देखो हुलिया बना रखा है श्री कृष्ण का, सर पे एक पंखुड़ी लगा ली और थोड़ा सर पे सब पहन लिया, बांसुरी पकड़ लिया और लग गया, बन गया श्री कृष्ण। लेकिन भाई हुलिया बदलने से नहीं होता है। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो दूर दूर से गाय खिंची चली जाती थी, और जब ये बांसुरी बजा रहे थे वो क्या हो रहा है, सब भाग रही है। गाय भी सोच रही होगी अच्छा खासा हम लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। सबके सब गाय जो है भागने में लगी हुई है, और ये इनकी बांसुरी सुन के गाय ने गोबर भी कर दिया। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो ये देखो भैया, टिकटॉकर तेज प्रताप यादव जी को ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हो, लगता है बहुत बड़ा क्या है जैसे। अब ये तो कुछ भी नहीं है। और ये रहे बिहार के पाटलिपुत्र साम्राज्य के महाराज तेज प्रताप यादव जी। तो ये आप देखो जरा, ये बिल्डिंग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। अभी आपको पता है जिस टाइम भी ये मुंबई में रह करके बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, दुनिया में उनकी फोटो शूट कर रहा है, उसी टाइम पे ये बिहार का हेल्थ मिनिस्टर भी था और एनवायरमेंट मिनिस्टर भी था, उसके बाद पे कुछ एमएलए वगैरह भी था उसी टाइम के आसपास। तो वो टाइम में उसको वहाँ पे बिहार में रहना चाहिए था काम करने के लिए। वो टाइम पे ये मुंबई में रह करके दुनिया में अपनी बॉडी बिल्डिंग के साथ में फोटो खिंचाना और जाने कौन कौन सी पता नहीं फालतू की कुछ मूवीज वगैरह में डेब्यू करने जा रहा है। और उस समय नेता भी था, वैसे तो हमारे यहाँ के नेता होते हैं, कहने को बन जाते हैं नेता और बाद में चले जाते हैं। तो ये देखो, इसकी एक मूवी आने वाली थी रुद्रा द अवतार। पहले न्यूज में बहुत आता था कि तेज प्रताप यादव इज गोइंग टू डेब्यू इन बॉलीवुड, ऐसा लग रहा था जैसे अमिताभ बच्चन की छुट्टी करके माने गई है। और फिलहाल तो अभी आजकल ये पूरी छुट्टी को दिख रहा है। पूजा पाठ कर हम लोग भी करते हैं, लेकिन ऐसा हुलिया कौन रखता है। चलो जो पंडित है उनका तो रोज का काम है, उनको उनके लिए ऐसी वेशभूषा नॉर्मल है, लेकिन हम लोग तो हम जीवन में रहने वाले लोग हैं, ऐसा हुलिया कौन रखता है कोई। चलो यार, किसी की पर्सनल जो आध्यात्मिक जीवन है उसके ऊपर सवाल उठाना मेरा काम नहीं है। बस मैं तो इनको एक जस्ट एज अ पॉलिटिकल कैंडिडेट देखता हूँ, और पॉलिटिकल कैंडिडेट की तरह इनको बिहेव करना चाहिए। एक नेता और अभिनेता में यही फर्क होता है, मुझे कहीं से भी नेता नहीं दिख रहा, मुझे बस ये अभिनेता दिख रहा है। चलो आप पूजा पाठ करना ठीक है, लेकिन बात बात पे कैमरे के सामने आने की क्या जरूरत है। बिहार से सुशांत सिंह राजपूत भी थे, बट दोनों की जो एसेंट से बात कर, अरे ये क्या भाई, मैं तो इसको इंसान समझ रहा था, ये तो एलियन निकला। ये बिल्कुल वैसा ही एंट्री जैसे मिस्टर बीन करता था कि ऊपर से लाइट आया और एक एलियन को छोड़ के चला जाता। मुझे पहले ही सकता ये इंसान नहीं हो सकता, उसने इस वीडियो में शो भी कर दिया। घटिया वीडियो एडिटिंग करते हैं ये लोग, इससे अच्छी एडिटिंग तो मैं कर सकता। वाह, बैकग्राउंड में पहाड़ी पहाड़, और यहाँ पे ये क्या आग जल रहा है, और यहाँ पे तेज प्रताप यादव भैया बैठे हुए हैं और पीछे उनके शक्तियाँ निकल रही हैं। बस शक्तिशाली आदमी है ये तो। मुझे लगता है चाइना को बस यहाँ देखते देखते ही पूरा का पूरा खत्म कर डालेगा। तेज है, तेज प्रताप बाबा जो है इनके आशीर्वाद ले लो आप लोग, तो आप लोग तब भी करोगे। अरे बड़ा सा आग का गोला है इनके दिमाग में घुस गया, जरूर अंदर भूसा होगा क्योंकि भूसे को याद पकड़ता है। बेचारे के पास कुछ अगर दिमाग में होगा भी वो भी जल गया होगा। ये कौन ऐसी वीडियो बनाता है, देखो वीडियो से फ्लोटिंग कर रही है, अच्छी एडिटिंग मिल रही है, इससे अच्छी एडिटिंग तो मैं कर सकता हूँ, तो कैसे खेल रही है। और ये यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे तेज प्रताप यादव भैया मुस्लिम वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा वीडियो बनाया है कि दिखा रहे कि देखो मैं मुस्लिम्स को कितना सपोर्ट करता हूँ। भाई जो भाईचारा है, जो प्यार है, वो हकीकत में दिखना चाहिए, ना कि ऐसे टिकटॉक लाइक की टाइप के वीडियोस में। मैं तो कहता हूँ कि एक नेता को ऐसा परफॉर्म करना चाहिए कि ऐसी बातें ही ना रहे, ना रिलीजन, ना कास्ट। जो इंसानियत है वो सबसे बड़ा धर्म है, और उसी को हमेशा रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि ऐसे दिखावे करने चाहिए, ऐसा कोई नाटक। और ये भी लग गया ना उसी लाइन में, बस वोटर्स को लुभाना है तो हुलिया बनाना है। आप जिस रिलीजन के हो उस रिलीजन को फॉलो करो,
दूसरे भैया की आप रिस्पेक्ट करो, ठीक है, नाटक करने की क्या जरूरत है। वैसे तो भैया जो भी हो तेज बता रहे हो, यहाँ पे आरती ले रहे हैं, आप लोग भी आरती ले लो। पता नहीं है जब भी पूजा करने जाते हैं कैमरा वाले वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं हर बार। यार अगर आप बनाते भी हो वीडियोस टिकटॉक, तो हमारे देश को जो ऐप्स हैं उनको सपोर्ट करो। रोकोसो है, मोज है, तो जोश है, ये सारे इंडियन ऐप्स हैं, उनके ऊपर अपनी वीडियोज बनाओ। क्या टिकटॉक और लाइक यूज बनाते, इतने बड़े मंत्री हो उनसे बनाओगे, बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, इंडियन लोगों को जॉब्स मिलेगा। लेकिन कैमरे के सामने रुकना था तो साइकिल चलाने लगे और गिर गए, हो गई बेइज्जती। एनवायरनमेंट मिनिस्टर है तो कुछ को शो करना चाहते कि देखो मैं कितना, सॉरी हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम पे शो कर रहे थे। तो इनकी शादी भी हुई थी ऐश्वर्या राय यादव के साथ में, तो उन्होंने इनको डाइवोर्स दे दिया ये बोल के कि शादी कुछ उत्पीड़न का आरोप लगाया। तेज प्रताप जी, ये आपका दफ्तर है, कार्यालय है हमारा, कार्यालय है। हाँ, आपके मन में तमन्ना नहीं है मुख्यमंत्री बनने की? मुख्यमंत्री क्या, आपको किंग मेकर बनने की ज्यादा भूमिका आपको अच्छी लगती है? जैसे पिताजी किंग मेकर की भूमिका में थे तो किंग भी थे, और तो किंग हमारे भाई किंग बने या हम किंग बने, बात तो बड़ा बड़ा भी नहीं है। लालू प्रसाद यादव तो किंग ही थे, किंग मेकर क्या थे, वो तो मुख्यमंत्री ही थे। हाँ, किंग मेकर थे तो किंग मेकर थे, तो हम भी किंग मेकर हैं। ये बताइए, सालों में जो लालू जी का शासन काल था उसमें बिहार में जो कुछ खास तब्दीलियों को आप रेखांकित करते हैं, कौन सी तब्दीली सबसे अच्छी आपको लगती है? पिताजी ने पूरे तरीके से जो यूनिवर्सिटी देने का काम किया था, हर एक जिला में यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, आज जो IGMS देखेंगे, PMC देखेंगे, ये सब पिताजी का दिया हुआ है। हर जिला में तो यूनिवर्सिटी नहीं है, 8 यूनिवर्सिटी देने का काम किया था, आपको शायद पता होना चाहिए। जिला तो यहाँ पे 8 से ज्यादा, 8, हाँ तो 8 जगह उन्होंने देने का। आप देख सकते हो जब बीबीसी ने इनका इंटरव्यू लिया तो इसके पास ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर नहीं थे, इसके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं थी। जब बीबीसी ने इनसे ये पूछा कि आपके फादर ने ऐसा क्या काम किया है कि जिसकी मिसेस पे आप जो है अगला इलेक्शन में खड़ोगे, आप खुद को बताओगे कि हाँ चलो हमारा जो शासन था अच्छा था, तो इनके पास जवाब तक नहीं था। तो ये बोलता है कि जो लालू प्रसाद यादव है उसने हर जिला में एक यूनिवर्सिटी दिया, तो रिपोर्टर भी उससे पूछते हैं भाई इतने सारे तो यूनिवर्सिटी भी नहीं है जितने जिला है, तो कहता है हाँ हाँ। अब देखो ये बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है, और इसे जब और सवाल पूछने लगा रिपोर्टर तो दुनिया भर के फोटोज दिखाने लगा, ये देखो ये फोटो ये फोटो ये फोटो। भाई कोई मुद्दा ही नहीं आपके पास कि आपने क्या अच्छा काम किया है, लोग आपको क्यों वोट दे, आप क्या कर सकते हो। अगर मैं होता इसकी जगह पे तो साफ साफ बोलता कि जो पहले ना तो लालू प्रसाद यादव ने अच्छा काम किया और नीतीश कुमार ने भी कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं किया, तो मैं उनसे कुछ अलग करूंगा, कुछ उनसे अच्छा काम करूंगा, कुछ नए आइडियाज लेकर के, कुछ नए मोटिव लेकर के। लेकिन इनके पास क्या वही हिसाब किताब बात है। और हाँ एक बात और, केस में ये जो इनडायरेक्टली है, अगर आप इसकी बातों को समझोगे तो ये कहना चाह रहा है कि कांग्रेस से भी ये गठबंधन को तैयार है, कन्हैया कुमार से भी ये गठबंधन को तैयार है। मतलब इनके पास कोई मोटिव नहीं है, इनका मोटिव सिर्फ इतना है सरकार बनाना, चाहे वो जैसे बन जाए। तो बस वो दोस्तों यही बातें थी जो वीडियोज का बात थी, बाकी आपका डिसीजन है आप किसको वोट देना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बिहार में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, IT पार्क बन सकता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, पानी भी बहुत ज़्यादा है, कई सारी इंडस्ट्रीज आ सकती है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस तरह के मंत्री हैं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा कैंडिडेट पसंद नहीं है, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल ही वोट नहीं देना चाहूँगा, लेकिन आपका अपना अपना डिसीजन है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जो आगे जो वीडियोज लाने वाला हूँ वो तेजस्वी यादव के बारे में, फिर पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में, फिर कन्हैया कुमार के बारे में, फिर नीतीश कुमार के बारे में, तो सबके बारे में रिव्यू लाने वाला हूँ। देखे भैया, ये जो हमारा प्रिंस दुर्गा सिंह है, इसका यूट्यूब का चैनल जो है आप सभी लोगों का सब्सक्राइब करना है।